बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम सलीम और आप देख रहे हैं माय विलेज फूड सीक्रेट्स। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो प्योर पंजाबी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे सौंफ का मरूंडा और ये गांव में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली और बच्चों के लिए, और ये इंसानी आँख और इंसानी दिमाग के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है और ये बनाना भी बड़ा आसान है, आप घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये लाजवाब सी चीज़ कैसे बनाई जाती है। ये हमारे पास सौंफ है, इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और ये हमारी घर की सौंफ है। उसके अलावा इसमें गुड़ का इस्तेमाल होगा, उसके अलावा इसमें कसकास जाएगी और इसको हमने कूट लिया चट्टू की मदद से, नारियल का चूरा, बादाम जो हैं वो भी हमने कूट लिए हैं और कुछ बारीक कटा हुआ नारियल, ये चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और मक्खन के साथ इसको बनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मक्खन डालेंगे। मक्खन को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद इसमें सौंफ शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको साथ साथ हम हलाएंगे। अब साथ ही इसमें हम कसकास भी शामिल कर देंगे। आंच को हल्का रखेंगे और इसको हम साथ साथ हलाएंगे। अब इसमें हम गुड़ शामिल कर देंगे। कसकास और सौंफ को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट हमने भुना है और उसके बाद इसमें हमने गुड़ शामिल कर दिया। ये हमारी दादी बहुत ज़्यादा बनाती हैं और उन्होंने मुझे कहा था ये भी रेसिपी आप शेयर करें, और ये जो है बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली बहुत ही लाजवाब होती है। ये नज़र के लिए और दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चम्मच को चलाते रहेंगे। अभी इसमें हम नारियल का चूरा डाल देंगे और बादाम कुटे हुए, और साथ ही बारीक कटी हुई गरी भी डाल देंगे। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही जो गुड़ है वो मैश हो गया तो इसमें हमने मेवे डाल दिए। अभी अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। आग बिल्कुल हल्की रखनी है, अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे आग तो ये जो सौंफ है फिर ये कड़वी हो जाएगी। बिल्कुल हल्की हल्की आग रखनी है। अभी ये बिल्कुल हो चुकी है, अभी नीचे उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी चाहे तो इसकी आप पिनियां बना लें, तो चाहे तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो मैं तो इसकी पिनियाँ बना लूँगा छोटी छोटी इस तरीके से।
सब्जियां बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है ये सौंफ का हमारा मरूंडा, तो आप भी इसी तरीके से तैयार कीजिए और अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।